फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। कल यस बैंक के स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और उस गिरावट के पीछे वजह थी बड़े फंड हाउस के द्वारा बड़ी क्वांटिटी में माल बेचना। लेकिन अच्छी बात यह रही कि कल की बड़ी गिरावट के बाद में आज फिर से हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। दूसरी तरफ बैंकिंग शेयरों में बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी आज यस बैंक के स्टॉक ने बाउंस बैक दिया। स्टॉक में करीब 2% की तेजी देखने को मिली। ये जो तेजी बनी उसके पीछे वजह है दो बड़ी पॉजिटिव न्यूज। एक तो सरकार की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया गया था यस बैंक को बचाने के लिए, तो वो स्टेप क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में दूसरी तरफ यस बैंक के Q2 के रिजल्ट की झलक सामने आ चुकी है, क्या है उस अपडेट उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यानी पॉजिटिव माहौल बन चुका है और जल्द ही Q2 का रिजल्ट भी हमारे सामने होगा, तो उन संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यहां से अब गिरावट थमने वाली है, क्या यहां से फिर हमें तेजी देखने को मिलेगी या फिर अभी भी बड़ी गिरावट बाकी है। तो सारी संभावनाओं को हम तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से हमें दूर हो जाना चाहिए। काफ़ी लोग डरे हुए हैं और उनको लगता है कि यस बैंक में निवेश करके उनका निवेश डूब जाएगा, परंतु माय फ्रेंड्स, यस बैंक इस समय जिस लेवल पे खड़ा है, जहां पे इसके शेयर की प्राइस है, यहां से अब लॉस की संभावना बहुत कम हो चुकी है। यहां आपका लॉस अब नहीं के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी FPO की माध्यम से बड़े फंड हाउस ने 12 रुपीज़ के आसपास खरीदारी की हुई है, और 12 रुपीज़ के आसपास अगर आप खरीदारी करते हो तो आने वाले समय में आपको लॉस की संभावना बहुत कम हो जाएगी और आपके प्रॉफिट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नज़रिया ही रखना होगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 12.35 पर, हाई है 12.75 की और लो है आजकल 12.30 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 12.55 पर, करीब 2.03% अपर क्लोजिंग दिया, तो पॉजिटिव क्लोजिंग है। बाजार में इतनी बड़ी तेजी नहीं थी, बाजार में गिरावट का माहौल था, बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी, उसके बावजूद भी तेजी हमें देखने को मिली यस बैंक में। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो BSE में 1,60,37,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 75,56,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 47.12%। अगर हम बात करें NSE की, 5,64,19,000 की वॉल्यूम हुई और सामने 2,56,24,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 45.42%। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हुआ। अगर हम इसके पिछले एक महीने के वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज वॉल्यूम में कुछ कमी देखने को मिली है, 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। कल जो ये भारी वॉल्यूम था उसके पीछे वजह थी बड़े फंड हाउस के द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में माल बेचना और उसी ने बड़ी गिरावट भी कर दी थी। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 17,618 पर 0.53% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 37,425 पर करीब 0.84% की गिरावट देखने को मिली है, यानी करीब 1% के आसपास निफ्टी बैंक में आज गिरावट है। लेकिन निफ्टी PSU बैंक में तेजी देखने को मिली है, 2,483 पर करीब 0.80% की तेजी देखने को मिली। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 19,447 पर -0.76% की गिरावट थी। तो आप देख लो, प्राइवेट बैंकों में काफ़ी दिन से लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है, लेकिन सरकारी बैंक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और इस गिरावट के बीच में ही जो बड़ी तेजी बनी है वो यस बैंक के अंदर करीब 2% की तेजी देखने को मिली हमें। तो जो ये माहौल बना है इसके पीछे वजह है सरकार की मंशा। जो भी लेटेस्ट जो मीडिया में रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मोदी सरकार ने PM नेशनल रिलीफ फंड से यस बैंक की मदद की थी बहुत बड़ी, और ये जो मदद की थी ये थी 2018 के बाद में, जब RBI ने सरकार से कहा कि इस समय यस बैंक को मदद की ज़रूरत है और आपको इसमें पैसे लगाने होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया है तो बड़ी मुसीबत आ सकती है यस बैंक की। तो उस समय सरकार की तरफ से 250 करोड़ रुपीज़ की हेल्प की गई थी यस बैंक को, और ये जो हेल्प थी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की, जो अब स्टेटमेंट जो सामने निकल कर आई है 2019 से लेकर 20 के बीच की, कि यस बैंक को 250 करोड़ रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट के तरीके से दिए गए थे सरकार की तरफ से,
और यह जो रकम है यह एक तरह से बड़ा एक रिलीफ पैकेज दिया गया था आरबीआई के कहने पे यस बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उस समय हालत बड़ी खस्ता हो चुकी थी यस बैंक की और कभी भी बड़ी कंडीशन ख़राब हो सकती थी यस बैंक की जिस तरह से माहौल बना हुआ था। तो आरबीआई ने उसके लिए सरकार से कहा कि आप इसमें जल्द से जल्द अपनी तरफ से कुछ बेल आउट पैकेज दें। तो सरकार ने फिर कॉरपोरेट बेल आउट पैकेज के तौर पे इनको ये 250 करोड़ रुपये निवेश किया था यस बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट के तौर पे, और इस रकम के बलबूते पे यस बैंक फिर सर्वाइव कर गई और फिर उसके ऊपर मॉरेटोरियम लगा दिया गया था आरबीआई के द्वारा, और उसके बाद में पूरी कमान जो थी वो आरबीआई ने अपने हाथ में लेके उसका कंट्रोल एसबीआई को सौंपा और फिर एसबीआई ने प्रशांत कुमार को इसकी बागडोर सौंपी। तो आप ये जो रिपोर्ट निकल कर आई उससे एक बात समझ में आ रही है कि सरकार की मंशा बिल्कुल पहले से क्लियर थी कि किसी भी तरह से यस बैंक को डूबने नहीं देना है। फ्रेंड्स, ये जो हेल्प की गई थी सरकार की तरफ से ये साल 2019 के स्टार्ट में की गई थी और अब उसकी जो है डिटेल बाहर निकल के आई है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि सरकार किसी भी तरह से यस बैंक को डूबने नहीं देगी आगे भी, और इसका मैनेजमेंट अब भी एक तरह से सरकार के हाथ में ही है क्योंकि एसबीआई की बागडोर है सब और सारा मैनेजमेंट आरबीआई के द्वारा अभी भी उसको मोनिटाइज किया जा रहा है यस बैंक को। तो कोई घबराने की बात नहीं है, यस बैंक जिस तरह से कामकाज कर रही है, जिस तरह से नए नए निर्णय ले रही है, जो बड़े बोल्ड डिसीजन ले रही है, लगातार बिजनेस टाइप कर रही है, यस बैंक के दिन बहुत जल्द पलटेंगे, आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक जो दूसरी अपडेट निकल कर आई है, यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और अपने स्टाफ के लिए सबके लिए की ट्रेडिंग विंडो जो होती है उसको क्लोज कर दिया है क्योंकि यस बैंक अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को पेश करने वाली है क्योंकि सितंबर एंड हो चुका है और टोटल उनका क्वार्टर टू के रिजल्ट के लिए अब संभावनाएं बन चुकी है। 1 अक्टूबर से ये ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाएगी उनके इनसाइडर के लिए, जो भी कम यस बैंक से जुड़े हुए उनको अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और ये ट्रेडिंग तब तक बंद रहेगी जब तक डिक्लेयर ना हो जाए, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 दिन के बाद तक भी इनके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी। तो ये एक बात अब समझ में आ चुकी है कि बहुत जल्द क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट लग रहा है इस बार पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट यस बैंक ने किया है और सामने अब क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद में यहाँ पे हमें तेजी भी देखने को मिल सकती है। जब भी थोड़ा सा पैनिक माहौल बनता है माल बेचने आ जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पे निगेटिव माहौल बन रहा है। फ्रेंड्स, एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक और स्लिप होता है नीचे की तरफ जाता है तो 12.05 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, स्टॉक अगर और इसके नीचे गिरा तो फिर 11.80 तक जा सकता है और जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 11.40 का। तो ये तभी संभव है जब बाजार में बड़ी गिरावट हो, वरना इतनी बड़ी गिरावट की संभावना कम है। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा तो जो फर्स्ट टारगेट है वो है 12.70 का, तो स्टॉक आज 12.75 तक जाके आया यानी इस टारगेट को उसने टच किया था। सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है 13.10 का, तो थोड़ी सी तेजी बनेगी तो स्टॉक फिर 13 के पार जा सकता है, और थर्ड टारगेट इसका 13.35 का। और सरकार ने मदद की थी यस बैंक इस न्यूज़ के दम पे आज तेजी का वातावरण बना है, साथ में बहुत जल्द हमें क्वार्टर टू का रिजल्ट देखने को मिलेगा तो पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द हमें कोई बड़ी अपडेट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।